गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है संज्ञा। क्या नेम है जिसका? संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है संज्ञा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसको कहते हैं संज्ञा? हमने पहले भी इसको पढ़ा है, आज हम इसका रिविजन कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु जानवर भाव गुण एवं स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु जानवर भाव गुण एवं स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक लड़ाई जयपुर गर्मी सर्दी आदि। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर भाव गुण स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन्हीं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक जयपुर आदि। किनके नाम को कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति वस्तु जानवर भाव गुण ए स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इनको रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम मोहन सीता कालू भीम आदि। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम। दिशाओं के नाम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देशों के नाम भारत चीन जापान अमेरिका पाकिस्तान आदि, ये क्या है? देशों के नाम, और ये भी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। राष्ट्रीय जातियां भारतीय चीनी जापानी अमेरिकी आदि, ये भी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदियों के नाम गंगा चंबल बनास लुनी आदि, ये भी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में।
समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि। नगरों के नाम उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर आदि। समाचार पत्रों के नाम दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि। पुस्तकों के नाम रामायण, मेघदूत, रामचरितमानस आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ग्रह के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन। ये किस में आते हैं? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला प्रकार कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का अगला प्रकार कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, प्रोफेसर, शिक्षक, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, कुर्सी, मेज, आम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। किसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति विशेष का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? एक ही प्रकार की जाति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रकार कौन सा है संज्ञा का? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमने पहले भी पढ़ा था भाववाचक संज्ञा के बारे में, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो आज आप इसको अच्छे से पढ़ना है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, स्वभाव और भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता आदि। इससे अगला प्रकार कौन सा है? समूह वाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो, किसका बोध होता है समूह वाचक संज्ञा में? जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति
व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि, ये किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में। किसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। अगला प्रकार कौन सा है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा? अगला प्रकार द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, घी, तेल, मिट्टी, अनाज आदि। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा था, आज आपको इनको अच्छे से पढ़ने और अच्छे से समझने हैं। आज हम इनका रिविजन कर रहे हैं। पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, इनको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। आगे क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या बनाना? भाववाचक संज्ञा बनाना। तो पहले हम क्या बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाएंगे? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। बुड्ढा क्या है? जातिवाचक शब्द है और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा शब्द। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द और पशु का भाववाचक संज्ञा शब्द। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द और लड़कपन
भाववाचक संज्ञा शब्द। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। और मित्रता भाववाचक संज्ञा शब्द। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। और मनुष्यता, मनुष्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। दास क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। और दासता भाववाचक संज्ञा शब्द। क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ये हमने क्या बनाया? जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द। अब हम क्या बनाएंगे? सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक, सर्वनाम शब्दों से क्या बनाएंगे? भाववाचक। अपना क्या है? अपना सर्वनाम शब्द। और अपनत्व है भाववाचक शब्द। नीज क्या है? सर्वनाम शब्द। नीजत्व है भाववाचक संज्ञा शब्द। पराया क्या है? सर्वनाम शब्द। और परायापन भाववाचक संज्ञा शब्द। क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। मम क्या है? सर्वनाम शब्द। और ममता भाववाचक संज्ञा शब्द। तो इसके बाद में आपको क्या बनाने हैं? सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द। अब हम क्या बनाएंगे? विशेषण शब्द से, विशेषण शब्दों से क्या बनाएंगे? भाववाचक, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। लाल क्या है? विशेषण शब्द। और लालिमा भाववाचक संज्ञा शब्द। मोटा क्या है? विशेषण शब्द। और मोटापा भाववाचक संज्ञा शब्द। गर्म क्या है? विशेषण शब्द। और गर्मी भाववाचक संज्ञा शब्द। काला क्या है? विशेषण शब्द। और कालीमा भाववाचक संज्ञा शब्द। सफेद क्या है? विशेषण शब्द। और सफेदी भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ऐसे ही आपको क्या करने हैं? विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। अब क्या बनाएंगे हम? क्रिया शब्दों से भाववाचक, क्रिया शब्दों से भाववाचक। घबराना क्या है? क्रिया शब्द है। और घबराहट भाववाचक संज्ञा शब्द। थकना क्या है? क्रिया शब्द है। थकना क्या है? क्या है थकना? क्रिया शब्द है। और थकावट भाववाचक संज्ञा शब्द। टकराना क्या है? क्रिया शब्द। टकराना क्रिया शब्द। टकराहट भाववाचक संज्ञा शब्द। मारना क्या है? क्रिया है। और मार भाववाचक। लिखना क्या है? क्रिया है। और लिखावट भाववाचक। सजाना क्या है? क्रिया है। सजाना क्रिया शब्द है। और सजावट भाववाचक। दौड़ना क्रिया है। दौड़ना क्रिया शब्द है। और दौड़ भाववाचक संज्ञा शब्द है। खेलना क्रिया शब्द है। और खेल
भाववाचक संज्ञा शब्द। तो ऐसे आपको क्या बनाने हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हैं। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको संज्ञा के बारे में पढ़ना है, संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। ओके, इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज हमने इसका रिवीजन किया, इसको रिवाइज किया है। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। पहले क्या पढ़ोगे? संज्ञा के बारे में पढ़ोगे, फिर संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद में आपको ये पढ़ोगे कि भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। जातिवाचक से भाववाचक बनाओगे, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक बनाओगे, विशेषण शब्दों से भाववाचक और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाओगे और इनको अच्छे से समझोगे। और फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से समझोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।